Hey all public, what's up? Welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, अभी का सीन ये है, आपने कभी सोचा है लाइक बैंगलोर में रह के बैंगलोर सिटी से एयरपोर्ट जाने के लिए लाइक ऑलमोस्ट कुछ 1.5 घंटा 2.5 घंटा लगता है? घंटे जो लगते हैं वो लगते हैं अपॉन दैट फेयर्स कितना है। आप टैक्सी में जाओगे तो आप 800 से 1500 रुपये पे करोगे, 800 to 1500। अगर आप बस में जाओगे तो 200 से 250 रुपीज़ 300 पे करोगे। वही अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बैंगलोर सिटी से एयरपोर्ट जा सकते हो इन जस्ट 15 रुपीज़, आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं नहीं यार, सच बोल रहा हूँ। मैं हूँ फिलहाल KSR बैंगलोर कोला डेमो ट्रेन में, तो मैं इसमें ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम KSR बैंगलोर टू केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पॉइंट। एंड मुझे जो फेयर पड़ा इसका 15 रुपीज़ पड़ा, मुझे पता है भरोसा नहीं कर रहे हो, आपके स्क्रीन के साइड में यहाँ टिकट की फ़ोटो दिख रही होगी, देख लीजिए 15 रुपीज़ का फेयर पड़ा है। बैंगलोर सिटी से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पॉइंट का जर्नी ड्यूरेशन कुछ 1 hour 10 minutes 20 minutes का है। हमारा डिपार्चर यहाँ से 8:35 AM को है एंड वी विल रीच समवेयर अराउंड 9:45। ये रही हमारी ट्रेन। टाइम देख सकते हैं 8:33 एंड हमारा डिपार्चर यहाँ से है 8:35 को। ट्रेन का इंटीरियर देखते हैं, ऐसा कुछ है इंटीरियर। यहाँ पे जो एलोकेशन हुआ है ये सिर्फ पैंट्री वेंडर्स के लिए है, ऐसे बाहर लिखा हुआ है वेंडर्स ओनली। ये है ऐसे कुछ ट्रेन, सीट्स भी कंफर्टेबल है ना, आपको यहाँ पे फैन का स्विचेस मिल जाएगा बट यहाँ पे लाइट का स्विचेस मुझे नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों हमको स्टार्टर सिग्नल मिल चुका है शार्प 8:35 AM को, चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। एंड हमारा हॉर्न भी हो चुका है, ट्रेन के चलते ही चेन पुलिंग हो गई एंड हम फिर भी हम 1-2 मिनट के डिले के साथ हम चल चुके हैं बैंगलोर सिटी से। बैंगलोर का वेदर भी कुछ अलग ही लेवल का हो रहा है, आई गेस बारिश होगी आज तो। दोस्तों बैंगलोर सिटी से एयरपोर्ट कुछ 38-40 किलोमीटर की दूरी पे है एंड हमारी ट्रेन ये सेम डिस्टेंस कवर करेगी जस्ट 1 hour 10 to 15 minutes। ये एक्साइटेड हो कि ये ट्रेन क्या सच में लाइक वर्थी है या नहीं, मतलब ऐसे तो वर्थ है लाइक, क्या आपको भी ये ट्रेन प्रिफर करना है या नहीं करना ये मैं इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा। बैंगलोर कैंट आने से पहले ही हमको आउटर पे रोक दिया गया, बैंगलोर कैंट सिर्फ यहाँ से कुछ 1-2 किलोमीटर दूर है एंड हमको पहले ही आउटर पे रोक दिया गया। आई थिंक यहाँ पे क्रॉसिंग होगी इसलिए रोका गया है। दोस्तों मुझे इस ट्रेन में सिर्फ एक बात ये सही नहीं लगी, क्योंकि ये लोकल ट्रेन है, सब में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इस ट्रेन में वॉशरूम्स नहीं है, सिर्फ ये थोड़ी बात खटकने लग गई मुझे। बस मुझे अर्जेंटली नेचर्स कॉल के लिए जाना है एंड इस ट्रेन में वॉशरूम ही नहीं है। बादल अच्छे खासे हो रहे हैं, बस बारिश बरस जाए मज़े आ जाएंगे जल्दी में। ये से काचीगुड़ा मैसूर एक्सप्रेस है, उनकल शेट का WDM3 है एंड यस ये है लेट रनिंग मैसूर काचीगुड़ा मैसूर एक्सप्रेस। तो दोस्तों फिलहाल हमारी ट्रेन आ चुकी है बैंगलोर कैंट
ऑलमोस्ट 10 मिनट का डिले हो गया बिकॉज आउटर पे भी रोका गया था एंड चलते चलते भी चेन पुलिंग हो गई थी, इसलिए ऑलमोस्ट 10 मिनट का डिले हो गया। अब 10 मिनट तो कोई बड़ा बात नहीं है, कवर अप कर लेगी मेरे माने तो। डिपार्चर का भी हॉर्न हो चुका है, डिपार्चर होने वाला है। अब क्या डिपार्चर दिखाना है, हमेशा दिखाता रहता हूँ। एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन थी, अब हमारी ट्रेन आ चुकी है बैंगलोर ईस्ट। अब मैं आप सभी को बताता हूँ मैंने इस रूट को क्यों प्रीफर किया है। द रीज़न इज़ मुझे आप सभी को अवेयर करना है, मुझे आप सभी को जागरूक करना है, क्योंकि बैंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवनली में जो है बैंगलोर सिटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब ये बैंगलोर शहर के बाहर है। एंड आप लोग मतलब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो, सबसे ज़्यादा आप टैक्सी में जाते हो, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है, अगर आपके पास टाइम शॉर्टेज आप टैक्सी में जाते हो, टैक्सी में कितने रुपये देते हो, समवेयर अराउंड 800 से 1500 रुपये देते हो डिपेंडिंग अपॉन द टैक्सी साइज, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो। वही अगर आप बस में जाते हो तो आप कितना पे करते हो, मिनिमम 200 से 300 350 रुपये आप पे करते हो। तो भाई मेरा ये मानना है कि लाइक आप इतना पे करने के बावजूद आप उन मनी को सेव करो, मतलब आप 800-1500 रुपये लगा के आप सिर्फ एक 40 किलोमीटर की जर्नी पे कर रहे हो जस्ट टू रीच अ डेस्टिनेशन। तो मैं बोलता हूँ भाई ट्रेन में जाओ, ट्रेन वाले सिर्फ 15 रुपये दो एंड आप आराम से जाओ। वीडियो के एंड में आप सभी को मैं टाइमिंग फ्रीक्वेंसी सब कुछ बताता हूँ। फिलहाल हम लोग फिलहाल अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:07 हो चुका है। नेक्स्ट 30 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट एंड अभी हम अराइव होने वाले हैं बाई पुलिस स्टेशन पर। ट्रेन की जर्नी सर ऑलवेज बेटर, बोलो अभी भी ट्रेन आधी खाली है, पूरी भरी हुई भी नहीं है एंड इसमें खाली है, कोई नहीं है ट्रेन में। मेरे कंपार्टमेंट में सिर्फ हार्डली कुछ 5 या 10 लोग हैं। तो दोस्तों आप ये जो लाइन देख रहे हो ये कट के वहाँ ये टर्न होके जा रही है, ये लाइन चली जाती है सर न्यूली बिल्ट स्टेशन सर विश्वेश्वरा टर्मिनल, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया है। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आप ये जो लाइन देख रहे हो ये लाइन आ रही है यशवंतपुर से वाया बानसवाड़ी एंड वाया सर विश्वेश्वरा टर्मिनल एंड अभी हम लोग अराइव हो रहे हैं बाइपनली के रेलवे स्टेशन में। तो दोस्तों जब मैंने मैसूर जयपुर एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था एंड जब बाइपनली में स्क्रिप्ट दिखा रहा था वहाँ पे मैंने गलती की थी, मैंने आपको वहाँ पे गलती से एक्साइटमेंट लेवल में मैंने आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब मैं उसको यहाँ पे करेक्ट करूँगा एंड अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को अगर आपने सही से नहीं देखा आप देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक आ रहा होगा उस ब्लॉग का, देख लीजिएगा मैंने वहाँ पे कुछ गलती की, वह मैं आप सभी को इस व्लॉग में करेक्ट करूँगा। तो ये है बाइपनली का रेलवे स्टेशन और वो रहा बाइपनली का मेट्रो स्टेशन एंड बेसिकली यहाँ पर मैं रेल फैनिंग के लिए बहुत आता हूँ बट फिर अभी बिजी स्केड्यूल है तो यहाँ पर बहुत कम आना हो गया। लगभग बाइपनली में 1 मिनट का हॉल्ट है, सभी स्टेशन पर 1 मिनट का हॉल्ट है। बाइपनली में ये ट्रेन 6 मिनट के लिए रुकी एंड अब हम चल चुके हैं बाइपनली से। तो मैंने जयपुर एक्सप्रेस पार्ट 1 में क्या मिस्टेक किया था वो आप क्लिप ये देखिए एंड अब जो मैं करेक्शन करूँगा वो आप देखिए। तो दोस्तों वो लाइन चली जाती है वाइट फील्ड पूरी होते हुए एंड हम लोग अब बढ़ चुके हैं चंद्रा की ओर यलंका होते हुए। मैं इस लाइन की बात कर रहा था जो वाइट फील्ड पूरी होते हुए आगे चली जाती है। अब वो करेक्शन इधर से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आप ये जो लाइन देख रहे हो ये जैसे ये मेट्रो ब्रिज कर्व हो रहा है जैसे ही ये जो लाइन देख रहे हो ये लाइन चली जाती है होसूर के लिए। अब वो लाइन चली गई होसूर, ये लाइन चली जाती है कृष्णा राजापुरम के थोड़ी वाइट फील्ड के रास्ते आगे जुलार पेट की तरफ एंड अभी हम लोग बढ़ चुके हैं यलंका के रूट में वाया चंद्रा। ये
देखिए आप। तो दोस्तों ये लाइन आ रही है कृष्णा राजापुरम से, तो फिलहाल हम आ चुके हैं चन्ना सत्रा। एंड 40 सेकंड के हॉल्ट के बाद हम लोग अब चल चुके हैं चन्ना सत्रा से। टाइम हो रहा है 9:45 एंड अभी हम लोग आ चुके हैं येलंका जंक्शन में। ट्रेन इस साइड में है, प्लेटफॉर्म इस साइड में भी है, उस साइड में भी है। एक प्लेटफॉर्म ये रहा एंड एक और प्लेटफॉर्म ये रहा। ट्रेन बीच में आके रुकी है एंड दोनों साइड में प्लेटफॉर्म है। अब येलंका को जंक्शन क्यों बोलते हैं बताता हूँ। येलंका से दो लाइन कट के चली जाती है। एक लाइन सीधी चली जाती है हिंदूपुर की तरफ वाया मकालेदोर गौरीबिडनोर एंड एक और एक लाइन जिसमें हम बढ़ने वाले हैं ये चली जाती है कोलार की तरफ वाया देवनाली। एंड फिलहाल हम चल चुके हैं येलंका जंक्शन से। तो दोस्तों ये लाइन चली जाती है डोडबलापुर मकालेदोर गौरीबिडनोर के रास्ते हिंदूपुर धर्मावरम और अभी हम बढ़ चुके हैं कोलार वाली लाइन में। अनोखा स्टेशन है, मतलब इस स्टेशन में कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं, लाइक काइंड ऑफ प्रॉपर प्लेटफॉर्म है नहीं, बट जैसे एक गांव के टाइप के, जैसे एक गली टाइप के, जैसे एक स्टेशन है। एंड यहाँ पे केवल 10 सेकंड रुकने के बाद हम लोग अब चल चुके हैं बेटा हल्सल से। येलंका के बाद हमको डालिया गया सिंगल लाइन, येलंका के बाद देवनाली तक आई है सिंगल लाइन एंड अभी हम सिंगल लाइन ट्रैक पे चल रहे हैं। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं डोडजल्ला स्टेशन पे। फिर से क्या बोलूँ, ये स्टेशन एकदम एक गांव की गली की तरह है, क्या प्लेटफॉर्म भी कुछ नहीं है, प्लेटफॉर्म भी इतना खास नहीं है वैसे, एक गांव की तरह एक सड़क है साइड में बस। यहाँ पे सिर्फ 15 सेकंड के हॉल्ट था, 15 सेकंड हॉल्ट के बाद हम लोग अब चल चुके हैं डोडजल्ला से। ये है कुछ स्टेशन, देखिए ना इसका कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो नहीं है एंड वो रहा इसका मेन एंट्रेंस एंड ये प्लेटफॉर्म है सिंगल लाइन ट्रैक में, ये प्लेटफॉर्म है। बताओ हम लोग अब चल चुके हैं डोडजल्ला से। एंड ये फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, आई गेस कौन सी फ्लाइट है पता नहीं, आई गेस एयर इंडिया की फ्लाइट है। तो दोस्तों अभी मैंने जब मेरा फ्लाइट रेडार चेक किया था, वो फ्लाइट रेडार दिखा रहा है, आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हो, बैंगलोर अहमदाबाद की एक इंडिगो की फ्लाइट अब टेक ऑफ होने वाली है। आई गेस टेक ऑफ हो गई, आवाज़ आ रही है मुझे। दोस्तों जैसा आपको पता है अभी मैं आ चुका हूँ बैंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट
जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। सो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हॉल्ट की बात करूँ, ये स्टेशन को कुछ 1.5-2 साल पहले इसको ओपन किया गया था बिकॉज इंडियन रेलवेज एंड बैंगलोर एयरपोर्ट लिमिटेड ये कोलैबोरेट करके पैसेंजर्स को नया एक्सपीरियंस, नया सुविधा प्रोवाइड की है सो दैट पैसेंजर आराम से आ सकती है चीप कॉस्ट में टू एयरपोर्ट। साइड है बैंगलोर एयरपोर्ट का वो मेन रनवे जहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ होती है एंड ये रहा मेन टर्मिनल स्टेशन का एंट्रेंस, ऐसे जाओगे तो टर्मिनल आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ है इस हॉल्ट स्टेशन का आउटर लुक, बहुत ही ये छोटा सा हॉल्ट स्टेशन है। बट यहाँ पे स्टेशन की एक बात बोलो तो यहाँ पे फ्लावरिंग गार्डनिंग, यहाँ पे जो गार्डनिंग इन लोगों ने की है नेक्स्ट लेवल की है, हैट्स ऑफ टू देम। देखिए जैसे आपकी ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाएगी, जैसे आप ट्रेन से बाहर हो गए टर्मिनल के बाहर, यहाँ पे आपको फ्री बस शटल की सर्विसेज मिल जाएगी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है एयरपोर्ट शटल, एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट, यहाँ इस एरिया पे आपको बस की सर्विसेज मिल जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इंटरेस्टिंग है ना, कितना मस्त द गार्डनिंग ऑफ द स्टेशन। अब हम चलते हैं स्टेशन के अंदर एंड देखते हैं क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है एंट्रेंस और एग्जिट पे। एक ही तो हॉल है जहाँ पे एंटर होते हैं एग्जिट होते हैं, तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पे। तो दोस्तों जैसे आप वहाँ से एंटर होंगे एंड यहाँ से आप एग्जिट होंगे तब आप देख पाओगे वहाँ पे टाइम टेबल दिया गया है इस ट्रेनिंग ट्रेन्स का, कितने बजे कौन सी ट्रेन आती है यहाँ पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज वहाँ पे LCD स्क्रीन दी गई है जहाँ पे आप सभी को अराइवल्स और डिपार्चर का स्टेटस देखने को मिलेगा एंड वहाँ पे टिकट काउंटर है तो आप वहाँ से टिकट कटवा सकते हैं कहाँ किधर भी जाना हो। तो ये रहा वो एयरपोर्ट का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हॉल्ट, वो H बोले तो हॉल्ट है। एंड ये बहुत ही प्यारा सा स्टेशन है, छोटा सा है बट प्यारा बहुत है। देखिए फ्लावरिंग भी है यहाँ पे पानी की फैसिलिटीज़ भी दी गई है, यहाँ पे डस्टबिन की फैसिलिटीज़ दी गई है, बैठने की फैसिलिटीज़ दी गई है। एंड धूप में अगर आपको शेड में बैठना है तो शेड के नीचे बैठने की भी आपकी फैसिलिटीज़ दी गई है। एक और बात दोस्तों, आपको स्टेशन में वॉशरूम की भी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी, बस यहाँ पे खाने की पीने की फैसिलिटीज़ नहीं है बट जो नेचर्स वाला है ना वो भी अब चला गया। फिलहाल हम चलते हैं वॉशरूम के बाहर। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अब आप सभी को एक स्मॉल समरी दे देता हूँ इस पूरी जर्नी का। शुरू किया था इस जर्नी को बैंगलोर सिटी से एंड 35 का डिपार्चर था एंड हम लोग 9:45 को आने वाले थे, 9:48 को आने वाले थे। जर्नी को पूरा कवर किया था इन जस्ट 1 आवर एंड 25 मिनट्स एंड जो मुझे कॉस्ट पड़ रहा था फ्रॉम मेजेस्टिक टू ईयर ओनली 15 रुपीज़ ऑफ कॉस्ट, बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग का ये सफ़र रहा मेरा। यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन का ट्रैक है, यहाँ पे आपको एंट्री और एग्जिट पे आपको फ्री बस सर्विसेज मिल जाएगी जैसे ही ट्रेन आती है एंड जाती है। यहाँ से एयरपोर्ट कुछ 2.5-3 किलोमीटर्स की दूरी पे है, मतलब अब मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप कैसे हो एयरपोर्ट। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कि यार आप भाई ट्रेन आ जाओ एयरपोर्ट के लिए, जैसे आप ट्रेन से उतर के स्टेशन के पास जाओगे आपको बस सर्विसेज मिल जाएगी। एंड आप स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हो ये है ट्रेन एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा ट्रेन का टाइम टेबल विद द टाइमिंग्स एंड विद द स्टॉप्स एंड आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। बस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा एंड मैं मिलता रहूँगा आपसे ऐसे ही कुछ शॉर्ट जर्नीस में, कुछ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स में। एंड मैं आप सबको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस व्लॉग को पूरा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए यार, बैंगलोर के सदस्यों को ये व्लॉग तो ज़रूर शेयर कीजिएगा so that they can reach airport in shorter time with less cost। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। बस घर जा रहा हूँ, घर जाते जाते एक लास्ट फ्लाइट ट्राई कर लेता हूँ जो कि न्यूली स्टार्ट हुई है भाई राकेश झुनझुनवाला, अकासा एयर जो कि बैंगलोर कोचिंग की फ्लाइट है, टेक ऑफ के लिए रेडी है, टेक ऑफ हो रही है और रोलिंग पे है। देखिए टेक ऑफ अकासा एयर का।